वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। माई सेल्फ अभिषेक बिना किसी देर करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो भाई आई प्रेस प्लस ओकिनावा 2023 के अंदर मैं आज इसको पांच सीजन आपको बताऊंगा जिससे आपको 2023 के अंदर ओकिनावा को अपने अंदर और थोड़ा सा इंप्रूव करने चाहिए ये। ओके सो वन बाय वन करके सारे रीजन्स की बात करेंगे जिसको ओकिनावा को अपने अंदर थोड़े से और इंप्रूव करने चाहिए, और जो लोग हैं इसके अंदर काफ़ी अच्छा अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे अगर ये चीज़ें इसके अंदर थोड़ी सही हो जाती है तो। ओके सो सबसे पहले भाई सबको एक अपना बजट रहता है सबका गाड़ी ख़रीदने का, तो मैं आपको इसकी ऑन रोड प्राइस आपको एक बार बता देता हूँ। इसकी ऑन रोड प्राइस जो आपको पड़ेगी वो पड़ेगी 1,60,000। ओके सब्सिडी जो आपको देखने के लिए मिलेगी वो मिलेगी इसके अंदर आपको 10,500। ओके 10,500 आपको सब्सिडी देखने के लिए मिलेगी, और 1,60,000 समथिंग आपको इसकी ऑन रोड प्राइस देखने के लिए मिलेगी, जो स्टेट टू स्टेट वेरी करती है हर जगह। ओके अब बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वो है भाई इसका रीज़न जिसको ओकिनावा को और थोड़े से इंप्रूव करने चाहिए वो इसके अंदर भाई बूट स्पेस नहीं है। बूट स्पेस की जगह इन्होंने बैटरी डाल रखी है, तो भाई ये चीज़ थोड़ी सी ख़राब लगी मुझे, क्योंकि ओकिनावा OK90 के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा थोड़ा सा बूट स्पेस, भले ही वो थोड़ा कम हो बट देखने के लिए मिल जाएगा, तो आप थोड़ा बहुत सामान अपना कैरी कर सकते हैं इसके अंदर। ओके बट इसके अंदर भाई बूट स्पेस है ही नहीं इसके अंदर, तो डायरेक्टली इन्होंने बैटरी लगा रखी है, तो ये थोड़ा सा मुझे कहीं ना कहीं लगा कि यार बूट स्पेस भी होना चाहिए था जिससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा सामान कैरी हो जाते हैं और कंफर्टेबल रहते राइडर और पिलियन दोनों। ओके अब बात करते हैं यार फर्स्ट रीज़न की मैंने आपको बताई जो कि है बूट स्पेस। ओके अब बात करते हैं सेकंड रीज़न की, वो है बिल्ड क्वालिटी। बिल्ड क्वालिटी जो है कहीं ना कहीं यार सही नहीं है थोड़े, मतलब कि आप एक माइनर सा भी एक्सीडेंट हो जाएगा ना तो आपको मेजर इफेक्ट देखने के लिए मिल जाएगा इसकी बॉडी पे, क्योंकि इसकी बॉडी पूरी प्लास्टिक की है, बट जो प्लास्टिक है वो भी थोड़ा पुअर क्वालिटी का आपको देखने के लिए मिल जाएगा इसके अंदर। इतना कोई अच्छा क्वालिटी का प्लास्टिक इसके अंदर देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि रिसेंटली मेरे फ्रेंड ने एक आई प्रेस प्लस परचेस करी थी और उसका एक माइनर सा एक्सीडेंट हुआ था, तो भाई उसके अंदर मतलब पूरा आगे से इसके परखच अच्छे उड़ गए थे ऐसे मान लो आप, काफ़ी अच्छा इंपैक्ट आया था। अगर मेरे पास फ़ोटो होगी तो मैं वो शेयर कर दूंगा आपको। ओके सो अब बात करते हैं यार थर्ड रीज़न की। फर्स्ट आपको हो गया बूट स्पेस, सेकंड हो गया बिल्ड क्वालिटी, अब हो गया थर्ड रीज़न। तो थर्ड रीज़न जो है वो मैं आपको बताता हूँ, वो है भाई मीटर। तो भाई मीटर जो है ना इसका इकोनॉमी मोड में ये आराम से चलती है 160 किलोमीटर। ओके स्पोर्ट्स मोड में ही चलती है 130 किलोमीटर, बट जो मीटर है ना भाई इसका वो इतना एक्यूरेट नहीं है यार। आपको मीटर इसका जो देखने के लिए मिलेगा ना वो आपको थोड़ा मतलब कि वो नहीं देखने के लिए मिलेगा, जो नॉर्मल जैसे अपन मतलब कि होता है ना कि भाई एकदम फिक्स बताए, बट फिक्स भी नहीं तो 19-20 तो बताए, लेकिन भाई 19-20 भी नहीं है, थोड़ा गलत बताता है भाई, मीटर एक्यूरेट नहीं है इसका, ये बात आपको माननी पड़ेगी। आप थोड़ा जिसके पास ये गाड़ी है थोड़ा आप उससे अगर पूछेंगे, ओनर से एक्सपीरियंस लेंगे, तो भाई वो आपको यही बताएगा कि मीटर कहीं ना कहीं भाई थोड़ा गलत बताता है, एक्यूरेट नहीं है इतना। ओके सो ये ऐसा कुछ इसका मीटर है, एनालॉग मीटर आपको देखने के लिए मिलेगा इसके अंदर, जैसा कि आपने देख ही लिया होगा यहाँ पे दिखा रहा है कि कितने परसेंट चार्ज है, मतलब कि स्पीड कितनी है, आरपीएम मीटर कितना है, ट्रिप कितनी है, टोटल कितनी चल गई, टाइम बता रहा है। ओके सो ऐसा कुछ इसका मीटर है, मीटर जो है वो एक्यूरेट नहीं है भाई कहीं ना कहीं। अब बात करते हैं यार फोर्थ रीज़न की, वो है भाई इसकी वारंटी। सो भाई बैटरी वारंटी जो है ना इसकी वो है 30,000 किलोमीटर की, जो कि मुझे कहीं ना कहीं काफ़ी कम लगी, क्योंकि अगर मान लो इन फ्यूचर अगर आप थोड़े इसको मार्केटिंग के काम से ले रहे हैं, और सब लोग मार्केटिंग के ही काम से ले रहे होंगे भाई, क्योंकि इलेक्ट्रिक स्कूटर है इसमें चार्ज कम, पेट्रोल वेट्रोल नहीं डलाना पड़ता, थोड़े बहुत पैसे में चार्ज में ही काम हो जाता है। सो भाई अगर आपने इसको 30,000 चला दी ना, तो इसके अंदर भाई बैटरी वारंटी जो है वो भाई ओवर हो जाती है 30,000 चलाने के बाद में। अगर बैटरी वारंटी ओवर हो जाएगी उसमें मतलब कि कुछ भी नहीं हो सकता, अगर आपकी बैटरी ख़राब हुई तो आपको 40 से 45,000 रुपये भरना पड़ेगा, उसके बाद में आपको नई बैटरी देखने के लिए मिलेगी इसके अंदर। ओके उसके बाद में गाड़ी रनिंग कंडीशन में होगी, तो भाई बैटरी जो है वो काफ़ी महंगी है, एक्सपेंसिव है, बस ये बात है इसके अंदर। और बैटरी वारंटी जो है वो थोड़ी बढ़ा देनी चाहिए ओकिनावा को मेरे हिसाब से 30,000 से मतलब कि 40-45,000 कर देनी चाहिए, जिससे थोड़ा सेटिस्फाई हो जाए कस्टमर भी। ओके क्योंकि 30,000 नॉर्मल सी बात है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, चला देते हैं आजकल लोग, क्योंकि भाई इसको आप मार्केटिंग के काम से लोगे ना, मेन तो यही है, कोई थोड़े बहुत ही लोग होंगे जो इसको फैमिली के काम से लेंगे, या थोड़े बहुत ही लोग होंगे जो इसको घर में एक रफ यूज़ के लिए लेंगे, बाकी तो लगभग लोग इसको बैटरी को मतलब बैटरी आई प्रेस प्लस को ओकिनावा को लगभग लोग मार्केटिंग के काम से ही लेते हैं। ओके सो अब बात करते हैं लास्ट इशू की, वो है भाई इसका पांच ऐसे रीज़न मैंने आपको बताए जिससे आपको 2023 के अंदर ओकिनावा को थोड़े से और अपने अंदर इंप्रूव करनी है चाहिए। लास्ट रीज़न जो है वो इसके लाइट्स, तो भाई लाइट्स के अंदर आपको इशू देखने के लिए मिल जाएगा विजिबिलिटी का, मैं आपको जला के दिखा देता हूँ एक बार लाइट्स इसकी, वैसे अभी तो कुछ खास पता लगेगा नहीं, लेकिन हाँ भाई लाइट्स जो है वो इसकी इतनी विजिबल नहीं है, आप जब रात को चलाओगे तो आपको पता चल जाएगा, आपको ऐसा लगेगा कि एक एक्स्ट्रा लाइट और होती तो और अच्छा रहता, या एक कुछ मतलब कि थोड़ी सी विजिबिलिटी बढ़ा सकते तो और बेटर रहता। विजिबिलिटी जो है वो कहीं ना कहीं कम है भाई गाड़ी की, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी ही पड़ेगी। सो भाई पांच ऐसे रीज़न मैंने आपको बताया जो 2023 के अंदर जिससे आपको ओकिनावा को थोड़े से और अपने अंदर इंप्रूव करनी चाहिए। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे
बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। अगर आपको आई प्रेस प्लस का भी, प्रेस प्रो का भी आपको अगर रिव्यू देखना है तो भी आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, मैंने डाल रखा है।